क्राइम में, धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल करो। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लो लेकिन इस हवा को कैसे रोक लो। क्या फिल्म पठान में सलमान खान आने वाले हैं अपने टाइगर लुक में नजर? आखिर क्यों फिल्म पठान नहीं हो रही है इस साल रिलीज? क्या अक्षय कुमार की वजह से फिल्म की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम फिल्म पठान और इस फिल्म से जुड़ी बेहद इंटरेस्टिंग और अनजान फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान में नजर आएंगे। फैंस इस खबर से बेहद उत्साहित है। अब इस फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में अहम जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में शाहरुख को सलमान दुश्मनों से बचाएगा। इस फिल्म में सलमान कैमियो करते नजर आएंगे, साथ ही उनका एकता टाइगर वाला लुक भी देखने को मिलेगा। यशराज बैनर तले बन रही इस फिल्म की शूटिंग कई देशों में हो रही है। रिपोर्ट का दावा है कि इस फिल्म में सलमान की एंट्री भी धमाकेदार होने वाली है। फिल्म में सलमान खान टाइगर बनकर शाहरुख खान को बचाने वाले हैं। सीन कुछ ऐसा होगा कि शाहरुख खान दुश्मनों के बीच घिरे होंगे, तभी सलमान उन्हें रेस्क्यू करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने टाइगर जिंदा है में ऐसा सीन क्रिएट किया था। इन दोनों फिल्म पठान की शूटिंग दुबई में चल रही है। फिल्म में शाहरुख के ऑपोजिट दीपिका नजर आएंगी, वहीं एक्टर जॉन अब्राहम भी अहम किरदार में दिखेंगे। इस फिल्म का निर्माण भारी भरकम बजट से किया जा रहा है। फिल्म पठान के लिए सलमान खान 10 से 12 घंटे तक शूटिंग करेंगे, जिनमें से अधिकतर सीन वह शाहरुख खान के साथ ही शेयर करेंगे। इससे पहले भी कई बार यह दोनों सितारों ने एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो कर चुके हैं, लेकिन इस बार फैंस को कुछ नया और खास देखने को मिलेगा। इस फिल्म की शूटिंग के बाद सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कटरीना कैफ और इमरान हाशमी के साथ शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि टाइगर 3 फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग मार्च के दूसरे हफ्ते से शुरू की जाएगी। कहा जा रहा था कि फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी, मगर यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म को लेकर एक नया अपडेट आया है, जिससे शाहरुख खान के फैंस निराश हो सकते हैं। दरअसल अब ये मूवी साल 2021 में ना रिलीज होकर अगले साल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। शाहरुख खान की पठान के इस रिलीज नहीं होने की बड़ी वजह अक्षय कुमार है। दरअसल यशराज बैनर दिवाली के मौके पर राजस्थान की शूरवीर राजा पृथ्वीराज की कहानी दर्शकों को सामने पेश करेगा। इसमें अक्षय कुमार के साथ मानुषी चिल्लर नजर आएंगी। मानुषी की ये पहली मूवी होगी। थोड़ी समय पहले ही पृथ्वीराज की रिलीज डेट अनाउंस की गई है। ऐसे में यशराज अपनी ही बैनर में बनी फिल्म पृथ्वीराज के साथ पठान का क्लैश नहीं करवाना चाहते। ऐसे में साफ है कि शाहरुख खान की पठान को देखने के लिए दर्शकों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि शाहरुख ने इस साल की शुरुआत पर फैंस को हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए एक वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने आखिर में कहा था कि साल 2021 में बड़ी स्क्रीन पर मिलते हैं। इस वीडियो के बाद से ही फैंस अपने उनके कमबैक को लेकर काफी उत्साहित थे, मगर अब रिलीज डेट के आगे बढ़ाए जाने से उनमें काफी निराशा है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं शाहरुख और सलमान को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए, और कितना है आपको इस फिल्म का इंतजार? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर हैं काजल सिंह।